गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मनु शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम के महारथी में। और माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो आने में थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए मैं हार्डली सॉरी कहना चाहूँगा। देखिए, बिना देर करे मैं बढ़ता हूँ अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब का आप सही सेंटेंस में सही वर्ब का सिलेक्शन तभी कर सकते हो जब आपको सही सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगी, क्योंकि जो भी वर्ब आप फिल करोगे वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग फिल करोगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब उसको जो भी एग्री करेगी वो सिंगुलर ही होगी, और जो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको एग्री करने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देखिए, देखते हैं, मैंने बात करी थी कि पर्सन और नंबर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि तीन पर्सन्स पे अपन बात कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स। इनमें से आई, बी, यू और दे की बात करें, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। आई की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये एम वर्ब लेता है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये बाज वर्ब लेता है, बाकी सब में प्लूरल वर्ब लेता है। और आई, वी और दे और यू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, जबकि ही, सी और इट ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिस वर्ब के पीछे अगर आपको एस दिख जाए तो याद रखना वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी। इन पर थोड़ी सी बात करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज़, अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अपन बहुत बहुत एलेबरेट करके हर चीज़ को पढ़ सकें, तो कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं, कुछ सिंपल एडवर्ब हैं जिनको फॉलो करके अपन इजीली सही वर्ब का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की तरफ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको सेंटेंस में डेली, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, समटाइम, एवरी डे, एवरी के बाद टाइम दिख जाए, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी है जैसे जर्नली या फिर डेली, ये सारी एडवर्ब्स अगर आपको दिख जाए तो आपको उसमें जो भी वर्ब फिल करनी है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। आप लोगों को मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में दो तरह से वर्ब फिल करी जाती हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता तो जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यूज़ करते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कुछ एग्जाम देख सकते हो या एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे ही ब्लैंक कम टू सी मी एवरी मंथ, यहाँ पर एवरी प्लस टाइम दे रखा है, और एवरी प्लस टाइम ये आइडेंटिफाई कराता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो ही के अकॉर्डिंग जो सही वर्ब जो इस ब्लैंक को एग्री करेगी वो रहेगी कम्स। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपन, यू गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर डेली मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, डेली भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसको जो वर्ब एग्री करेगी वो गो होगी। तीसरे सेंटेंस में अपन देखते हैं कि माई फादर ऑलवेज, यहाँ पर सेंटेंस में दे रखा है ऑलवेज, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को डिनोट कराता है, और यहाँ पर माई फादर जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो माई फादर के अकॉर्डिंग जो वर्ब भरी जाएगी वो टेक्स होगी। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, अगर सेंटेंस में इटर्नल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करी जा रही है तब भी आपकी जो वर्ब भरी जाएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। इटर्नल ट्रुथ पे बात करें तो ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले से एक ही रूप में है और उसमें कोई चेंज अकर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं इटर्नल ट्रुथ, और उन्हीं को अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। थोड़ा सा माइनर अंतर भी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना समझना है हमको कि अगर सेंटेंस में इटर्नल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा है तो वर्ब जो फिल होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे देख सकते हैं द सन इन द ईस्ट, इसमें रेज फिल करना है, और आप लोग जानते हो कि सूर्य हमेशा, जो आपका सन है वो हमेशा ईस्ट में ही रेज करता है, तो द सन, सन यहाँ पे सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है तो यहाँ पे रेजेस आएगा,
दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे जो सही वर्ब होगी वो मूव्स रहेगी। देखिए बात करते हैं तीसरी तरफ, तीसरे रूल की तरफ चलते हैं अपन। यदि आपके ब्लैंक में अगर कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, आप जानते हो कि बी को अपन पास तरह, बी को प्रेजेंट में इज एम आर और पास में बाजबर से इनिकेट करते हैं, अगर आपका ब्लैंक के बाद कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो आपका इज एम आर या बाजबर ही यूज़ होगा। बाजबर तब यूज़ करेंगे जब कोई पास्ट का साइन दे रखा होगा। तो यहाँ पर ही ब्लैंक अ डॉक्टर, तो यहाँ पर जो सही वर्ब रहेगी वो रहेगा इज। आई ब्लैंक अ डॉक्टर, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट में सेपरेट वर्ब एम यूज होती है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो एम होगा। देखिए बात करते हैं मॉडल्स की, मॉडल्स पे बात करते हैं, तो मॉडल की संख्या कुछ 13 भी बताते हैं कुछ टीचर्स 14 भी बताते हैं, लेकिन सही मॉडल्स की बात करें तो इनकी जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉडल्स होते हैं वो होते हैं 13.5। हेड बेटर एक सेमी मॉडल होता है जिसे क्वासी मॉडल कहते हैं। मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स अपने साथ, चाहे वो कैन हो या कोड हो, चाहे बिल हो या वुड हो, सेल शुड मे माइट मस्ट नीडंट डेयर ऑट टू यूज टू, ये सब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे के वीडियो में हम